संजय निरुपम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनसे एक दो सवाल कर लेते हैं। संजय निरुपम जी, आपने भी एक वक्त पर नाराजगी जाहिर की थी, आपका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपका ये भी आरोप है कि जो राहुल जी के करीबी हैं उनको साइडलाइन कर रही है पार्टी। क्या परेशानी है, क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा लगातार हो रहा है और सचिन पायलट की अनदेखी पार्टी ने की इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए अंजना जी, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। मोटा मोटी तौर पर जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच जो एक विवाद चल रहा है जिसकी वजह से राजस्थान में एक चुनी हुई सरकार खतरे में आती हुई दिख रही है, उस संदर्भ में मैंने सुबह अपनी बात रखी थी जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी का जो नेतृत्व है उसको इस बात के लिए एकदम सावधान रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अगर राज्यों में किसी इस प्रकार के कहीं कोई मतभेद होते हैं और अगर कोई नेता, कोई भी आपका कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी अगर किसी बात को लेकर के नाराज होता है तो निश्चित तौर पर उसको समझाने बुझाने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि किसी कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता और कोई एक व्यक्ति पार्टी छोड़कर चला जाए तो पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन ये सोच या अप्रोच या एटीट्यूड गलत है। अगर यूं ही हम सोचते रहे कि इसको जाने दीजिए, जा जाएगा जाने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक दिन पता चला कोई नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया है संगठन को कि राज्यों में जहां जहां इस प्रकार की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का आकलन करिए, उसका अंदाजा लीजिए और उन परिस्थितियों को से निपटते हुए कैसे एक स्मूथली संगठन चले और सरकार चले इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। राजस्थान की सरकार रहती है या जाती है ये मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण यह है कि सरकार हाँ, आपकी आवाज आ रही है, तस्वीर अंदर की आई है, जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। ये विधायक अंदर बैठे हुए हैं, वहां की तस्वीर आई है। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, जल्दी से ये तस्वीर जरा दिखा दीजिए। होटल के अंदर विधायक, चाय नाश्ते का दौर चल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि कोरोना पूरी तरह से इस देश से जा चुका है। खैर, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन उसको जरा दरकिनार करके अगर इन तस्वीरों को देखें तो फिलहाल विधायकों को फाइव स्टार होटल में या फिर ये जो भी है फेयरमॉन्ट होटल, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार, इनको वहां पे सुरक्षित रखा जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में मेरा अगला सवाल आपसे ये है संजय निरुपम जी, कि इससे पहले भी आपने कई बार कहा है, राजस्थान के संदर्भ में भी आपने कहा है कि अलग अलग गुटबाजी होती है। कौन करता है ये गुटबाजी, कौन फैसला लेगा कि अगर आज सचिन पायलट दिल्ली आए हैं अपनी शिकायतों को लेकर तो जाकर तुरंत बातचीत होनी चाहिए। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी, हर किसी ने ट्वीट करके कहा कि कब जागेंगे हम, जब सारे घोड़े निकल जाएंगे। अब कौन गुटबाजी करता है ये एक बहुत ही एक बड़ा एक सिंपल किस्म का एक आपका क्वेश्चन है और इसका इतना आसान जवाब भी नहीं है। देखिए हर संगठन में अलग अलग ग्रुप काम करते हैं। अगर मैं ये कहूं और इसको कोई सीधे रिजेक्ट कर रहा है मतलब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें इस प्रकार के अलग अलग संगठन काम, अलग अलग गुट काम करते हैं, उनके बीच एक टकराव होता है, मतभेद होता है। उन मतभेदों को दूर करने की प्रक्रिया ही राजनीतिक प्रक्रिया है। उन मतभेदों को दूर करके संगठन को स्मूथली चलाना और जनसेवा में उसको अच्छे ढंग से झोंक करके जो आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको कामयाबी से कर सके, ये जो एक अचीव करने वाली बात है वही एक राजनीतिक प्रक्रिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पे पिछले कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से कह लें ये सारी प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अब राज्यों में क्या हो रहा है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ सिद्धू जी का। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत कामयाब मुख्यमंत्री हैं, हम सब उनका आदर करते हैं और आदर करना चाहिए, उनने सरकार भी बना के दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सिद्धू घर पे बैठे। कहीं ना कहीं हम सबकी जवाबदारी बनती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिद्धू जी से क्या राहुल ब्रिगेड को साइडलाइन किया जाता है संजय जी, क्योंकि ये सभी लोग, चाहे वो सिद्धू हो, आप हो, हम चेहरे भी दिखा रहे हैं, उन सबको साइडलाइन किया गया जो राहुल जी के करीबी थे। अब मैं इस पर एक बहुत पहले कह चुका हूं कि दिल्ली में जो एक ग्रुप है जो वो सीनियर नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, ठीक है, उनका भी एक अपना योगदान है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनको एक सोचना पड़ेगा कि जो दूसरा जनरेशन है ना उसको भी एक स्पेस देना है। हर आदमी राजनीति में अपने स्पेस की तलाश में है और इसमें कुछ गलत नहीं है। राजनीति में आकर के अगर कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है और उसके माध्यम से राजनीति करना चाहता है तो ये कोई पाप नहीं है। और ऐसे में जब वो स्पेस ढूंढने का संघर्ष करता है तो उसके संघर्ष को पूरी तरह से कुचल देना ये गलत है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी प्रक्रिया हुई है जिसमें उस संघर्ष को या उस अपेक्षा को पूरी तरह से नकार देना, उसको नष्ट कर देना, ऐसा प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पर पार्टी के बड़े नेताओं को इसके लिए आत्मावलोकन करना पड़ेगा और जब तक वो नहीं करेंगे
तब तक संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए समाजवादी पार्टियां सब खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नेता होते हैं, उन्होंने दूसरे जनरेशन को तैयार नहीं होने दिया, दूसरे जनरेशन को कभी प्रमोट नहीं किया। तो अब जब दूसरे जनरेशन को आप दबाएंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो आप तो आज राज कर लेंगे लेकिन उसके बाद पार्टी नहीं बचेगी। इसलिए मैंने कहा सरकारें आती जाती रहती है, सरकार बच जाएगी नहीं बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी को बचाना बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं उस दिशा में हम सही डायरेक्शन से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।